दोस्तों लव का सीजन, जी हाँ वैलेंटाइंस आने वाला है और आज की ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है चॉकलेट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट्स आई नो कि आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और हर किसी को चॉकलेट्स पसंद आती हैं। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चंडीगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। ना सिर्फ चॉकलेट्स बल्कि ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स और फ्रूट चॉकलेट्स भी यहाँ पर बनती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरीके से पैकेजिंग होती है और यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। ये हमारी मशीन है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेल्टर एज वेल एज चॉकलेट टेम्परर। सो दिस इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। इसमें अभी हम चला रहे हैं वाइट चॉकलेट, क्योंकि हमारा जो अभी बनना है, जो मटेरियल बनना है, दैट इज़ चॉकलेट कोटेड क्रैनबेरीज। ये है वाइट कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड इज़ सब स्टैंडर्ड चॉकलेट, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर चॉकलेट। बट इसमें क्या होता है कि कोको बटर को रिप्लेस करके वेजिटेबल फैट डाल देते हैं। नॉर्मली जो प्योर चॉकलेट होती है उसमें कोको बटर एडेड होता है। इंडिया में कंपाउंड ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसका प्रिपरेशन इजी है, क्योंकि जो इधर का अपना टेम्परेचर है दैट इज अबव 40 डिग्रीज। तो 40 डिग्रीज तक तो वैसे ही चॉकलेट रहती नहीं है। 32 डिग्रीज इज द लास्ट टेम्परेचर जहाँ तक ये सस्टेन करती है, उसके बाद मेल्ट हो जाती है। सो अभी हम बनाएंगे चॉकलेट कोटेड क्रैनबेरी। दिस इज अ कोटिंग मशीन जो SS304 में होती है। तो फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर SS304 ही यूज़ किया जाता है। तो अभी चला के दिखाते हैं आपको। तो ये क्या, अभी सबसे पहले क्या डाले हम? ये क्रैनबेरीज, ड्राइड क्रैनबेरीज हैं। ओके, तो ये गई दोस्तों इसके अंदर ड्राइड क्रैनबेरीज। इसको हम अभी जो हमने वाइट चॉकलेट अभी बनाया था बेसिकली उससे कोटिंग करेंगे जी, है ना। एंड उसमें कोई फ्लेवर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नेचुरल जो क्रैनबेरीज का फ्लेवर रहेगा वही रहेगा, वही रहेगा। मशीन ऑन करेंगे और साथ में थोड़ा इसे, जैसे ये लम्प्स बने हुए हैं तो लम्प्स को ब्रेक करेंगे। ओके, ये लम्प्स, बिकॉज हमें लम्प नहीं चाहिए कि सिंगल पीस चाहिए। सो ये सारा लम्पीनेस इसका क्लियर आउट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मशीन जो है ना वो टर्न होने लगी है और ये देखिए इस तरीके से ये जो सारे जो क्रैनबेरी के पीसेज है ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल सिंगल पीस में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा चॉकलेट था ना बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और जो डिजायर्ड टेम्परेचर है बेसिकली उस पर सेट हो चुका है। तो इसको अब बाउल में लेके मशीन में ट्रांसफ़र किया जाएगा और कोटिंग की जाएगी क्रैनबेरी की। तो सारे जो क्रैनबेरी के पीसेज हैं ना उनको चेक किया जा रहा है कि सारे अलग अलग हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि मशीन में डाला गया है तो मशीन में हो सकता है कई बार ये रह जाते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से, तो इनको क्वालिटी चेक किया जाता है कि हर एक पीसेज जो हैं वो अलग हो जाएं एक दूसरे से और फिर इसके अंदर कोटिंग की जाएगी। तो ये बढ़िया तरीके से सारे पीसेज जो हैं वो अलग कर लिए जा रहे हैं। तो सर इसको टोटल कितना टाइम लग जाता है बनने में? सर जो प्रोसेस अभी जैसे अब शुरू कर रहे हैं, इट विल टेक समवेयर नियर अराउंड 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स, मतलब ये इस तरीके से ऐसे घूमता रहेगा और उसमें कोटिंग होती रहेगी। बनने के बाद इसे शाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शाइन से ही कस्टमर अपील करता है। जैसे आपने रेडी प्रोडक्ट्स देखे हैं मेरे बाहर जो बड़े हैं, दे हैव अ शाइन, तो वो शाइनिंग का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिए दोस्तों हमारे जो चॉकलेट, जो मेल्टेड चॉकलेट है वो भी आ गया, अब डाला जा रहा है मशीन के अंदर क्रैनबेरी को कोट करने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके से डाला जा रहा है और ये धीरे 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 ना इसकी कोटिंग की जाती है। ये चेक कर सकते हो आप इस तरीके से इसके अंदर डाला जा रहा है, ताकि जो चॉकलेट है ना वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर एक क्रैनबेरी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो। और सर ये जो पाइप है जो बेसिकली मशीन में जा रही है वो किस चीज़ के लिए है? सर ये एयर ब्लोअर है, जो रूम का टेम्परेचर होता है, लेट्स से अभी जैसे हमारा टेम्परेचर 25 के अप्रॉक्स है, तो वो हवा इसके अंदर डालेगा, सो दैट जैसे जैसे चॉकलेट उन पर पड़ रही है वो साथ के साथ ठंडा होता रहे और उसके ऊपर कोटिंग जमती रहे। जी जी, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो चॉकलेट है ना वो स्प्रे किया जा रहा है, बेसिकली जो ब्लोअर है ना वो उसको ब्लो कर रहा है और जो हमारा चॉकलेट है वो स्प्रेड हो रहा है हमारे क्रैनबेरीज के ऊपर। और देखिए धीरे धीरे जो क्रैनबेरी है ना उसके ऊपर कोटिंग भी होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो क्रैनबेरी का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। देखो ऊपर से ये वाइट वाइट सी कोटिंग हो रही है, देख सकते हो आप।
तो लिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं बलप्रीत सिंह जी, जो कि क्रिएटिव चॉकलेट के ओनर हैं। सर, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपने मेरे को दिखाई हैं, बड़ी रंग बिरंगी, चटपटी सी, मीठी मीठी जी। तो बताइए सर, क्या है आपका प्रोडक्ट दोस्तों को हमारे, और क्या क्या आप यहाँ पे बनाते हैं? सर, जैसे आपको मालूम है, वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम सी, अवर नेम स्टार्ट फ्रॉम के, क्रिएटिव। सो वी हैव टू बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। बिल्कुल। सो हमने 2009 में शुरू किया था चॉकलेट्स बनाना। इट वॉज स्टार्टेड एज अ मोल्डेड चॉकलेट्स एंड वी स्टार्टेड केटरिंग टू डिफरेंट वेडिंग इंडस्ट्री। स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे उनका डिमांड बढ़ा, हमने अपने प्रोडक्ट्स में क्रिएटिविटी शुरू कर दी। ओके। सो मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट चॉकलेट कोटेड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ड्राई फ्रूट्स जी। ओके। इसमें क्या है कि जेली बीन्स भी हैं, रॉक कैंडीज भी हैं, कुकी बॉल्स भी हैं, चॉकलेट कोटेड किशमिश, ओके, ब्लैक करंट, ये तीनों बादाम की रेंज है। इसमें मलाई पिस्ता बादाम है, चोको आलमंड्स है, रोज पेटल आलमंड्स है। देन नेक्स्ट में आ गया आपका फ्रूट्स। क्या फ्रूट्स में क्या है कि मैंगो, पाइन एप्पल, जो भी ड्राइड फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में, हम उन्हें कोट कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो इसमें राइट नाउ मेरे पास चार डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंगो, पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ये सारे फ्रूट्स हैं। ओके। एंड बादाम और काजू में वी हैव, बादाम में हमारे पास अराउंड 4 to 5 डिफरेंट आइटम्स हैं चॉकलेट कोटिंग में। अच्छा, वो काजू को और बादाम जी। ओके। एंड उसके बाद सीजनिंग कोटिंग, दिस इज अ सीजनिंग कोटिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या कि ये चटपटा आलमंड्स है, ये पिज्जा आलमंड्स है, इसे ऑरिगेनो आलमंड्स भी बोलते हैं। एंड दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ मिक्स ऑफ पेरी पेरी एंड तंदूरी। बेसिकली पेरी पेरी क्या होता है, पेरी पेरी सिर्फ जबान पे मिर्च देता है, बट तंदूरी पीछे भी देता है गले में। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ। क्या बात है। एंड इधर आ गया आपका चटपटा काजू, मलाई पिस्ता आलमंड्स, एंड ये कॉफी बीन्स हैं, चॉकलेट कॉफी बीन्स। ऑलराइट। तो ये तो हो गए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की बात। इसके अलावा आपके पास चॉकलेट प्रोडक्ट्स भी सारे हैं। इसके अलावा चॉकलेट प्रोडक्ट्स हैं, वी हैव अवर ओन ब्रांड जिसमें मैमथ प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो मैमथ इज अ ब्रांड वी लॉन्च्ड इन 2015। ओके। एंड उसमें 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे जो हम जम्मू तक ले गए थे। Our distribution started from Chandigarh and it's Ludhiana, then Jammu. But आपको पता ही है कोरोना ने लॉकडाउन में क्या हुआ businesses को। तो we also shrinked our market to Chandigarh only presently. Okay. But अभी दोबारा we are starting the distribution phase. हम distributors बनाना शुरू करेंगे। Okay. तो इसके अलावा packaging वगैरह जो इसके अलावा weddings के लिए भी यार, क्योंकि start ही हमने weddings का किया था शुरू 2009 में, तो आज तक हम weddings कर ही रहे हैं। Along with that we have catered to different bakeries, different sweet shops. तो कोई भी आ जाए, he can have our product. बेकरी आइटम्स वगैरह भी सब जी। बेकरी आइटम्स में केक्स हम बनाते हैं, ड्राई केक्स, जितने भी हेल्दी आइडियाज हैं, चाहे वो कोको बटर में हो, चाहे वो चॉकलेट्स में हो, चाहे वो पीनट बटर्स में हो, वी ट्राई अवर बेस्ट पॉसिबल कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना जाए, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ना जाए, नेचुरल रहे। सो इसी के अंदर वी हैव अवर सेकंड ब्रांड नटलाइट। नटलाइट हमने 2016 में एज अ नेचुरल नट बटर शुरू किया था, एंड इट इज वन ऑफ द, कह लो आप, इंडिया का सेकंड ब्रांड है जो स्टोन ग्राइंडेड बन रहा है। स्टोन ग्राइंडिंग इज बेसिकली स्लो ग्राइंडिंग, जैसे बैक इन टाइम्स पत्थर से किया जाता था। तो हम फ्लेवर्स भी जो आते होंगे नेचुरल, सब कुछ नेचुरल रहता है। सो नटलाइट इज अंडर दैट, एंड इसमें वी हैव पीनट बटर्स, रेंज ऑफ डिफरेंट पीनट बटर्स। द न्यू थिंग वी स्टार्टेड इन 2017 वाज डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स अंडर द सेम ब्रांड नटलाइट। तो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स आपको पता ही है जैसे आजकल मार्केट में कितना अवेलेबल है, बट शुगर कंटेंट हर एक में हाई है। सो वी ट्राई टू लोअर द शुगर कंटेंट, एंड इसमें भी प्रिजर्वेटिव कोई भी नहीं है। इसके अलावा सर जो मैमथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैमथ वी स्टार्टेड विद 5 different वेरियंट्स, बट बैक इन 2019 वी रिमूव दिस प्रोडक्ट, डार्क पॉप कैंडी। पॉप कैंडी, इट वॉज अ गुड प्रोडक्ट, बट इट हैज अ लिटिल बिट लेस शेल्फ लाइफ, एंड कुछ चाइना का पॉप कैंडी आता है, तो चाइना का रिस्ट्रिक्शंस करके वी हैव टू डिसकंटिन्यू इट। दिस इज द न्यू रेंज वी स्टार्टेड इन 2020, बट उसके बाद जैसे ही फरवरी में लॉन्च किया, मार्च में वी हैड अ लॉकडाउन,
सो दिस वॉज नॉट वेरी मच पब्लिसाइज इन द मार्केट एंड जो इतने भी मेरे कस्टमर्स हैं दे आर लाइकिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसमें क्या है कि दिस इज आवर फर्स्ट मिल्क चॉकलेट विद क्रैनबेरीज एंड मिल्क चॉकलेट में आपको पता होगा जैसे कि 30-31 मैक्स 35% कोको होता है वी हैव लॉन्च्ड इट विद 40% कोको एंड देन दिस इज अ न्यू फ्लेवर कॉल्ड कैरमल एंड सी सॉल्ट इट इज अ वेरी यूनिक फ्लेवर यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ कैरमल टच अलॉन्ग विद द हिंट ऑफ रॉक सॉल्ट इट इज नॉट द नॉर्मल वाइट सॉल्ट इट हैज रॉक सॉल्ट देन कम्स 70% डार्क कॉफी निब्स Okay. It has Arabica coffee nibs crushed inside the 70% dark chocolate. Mm-hmm. Then this is the new one, limited edition stevia based dark chocolate. This is also 70% dark. It's okay. written there. Mm-hmm. And it is available in these slices. Okay. You can try it. ठीक है. तो ये देखिए दोस्तों ये क्यूब्स हैं इस चॉकलेट के तो ये आपका लिमिटेड एडिशन ये लिमिटेड एडिशन है ओके एंड बहुत ही कम क्वांटिटीज में बनाते हैं ये देखिए डार्क चॉकलेट थोड़ा सा तो टेस्ट बड्स को थोड़ा सा बिटर रहता है थोड़ा सा बिटर रहता है तो मैं टेस्ट करता हूं दोस्तों बीइंग एडेड विद स्टीविया एंड एरिथ्रोटोल आपको थोड़ा सा ये ठंडा भी लगेगा और थोड़ा सा बिटर भी पंच साथ साथ चलेगा बिटर लग रहा है मगर हल्का सा स्वीटनेस भी है इसमें जी उस लेवल पे स्वीटनेस थोड़ा सा स्टीविया करके है जी 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 नाइस तो सर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल और ये रखा हुआ सैंडल तो आप कस्टमाइज भी करते हैं चीजों को बेसिकली हमारे कुछ डिफरेंट बेकरी क्लाइंट्स हैं उनको केक टॉपर्स चाहिए होते चॉकलेट के सो वी हैव अराउंड 5-10 डिफरेंट केक टॉपर्स सो ये उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके की आप जी जी सकते हैं अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो डू एडिबल printing on the chocolates to iske upar koi bhi cheez print kuch bhi you can print your photograph you can print your brand name so dosto hamare is process ko na abhi 2 ghante ho chuke hain aur 2 ghante se ye jo machine hai na isi tarike se chal rahi hai coating kar rahi hai aur jo ye chocolate hai cranberry ke upar isi tarike se dala ja raha hai aap dekh sakte hain cranberry jo hai na wo puri tarike se coat ho chuki hai aur abhi isko takriban 1 ghanta aur jalaya jayega mera तो बढ़िया तरीके से और मोटी लेयर हो जाएगी इस चॉकलेट की तभी जो चॉकलेट है ना वो खाने में मज़ा आएगा क्रैनबेरी के साथ तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटा और चलाया जाएगा और इसके बाद जो ये कोटिंग होगी ना वो बड़ी लाजवाब होने वाली है तो सर अभी हम कौन सी चॉकलेट बनाने वाले हैं अभी हम प्रीमियम चॉकलेट कैसे टेम्पर करते हैं वो बताएंगे एंड दिस इज राइट नाउ 45% डार्क चॉकलेट ओके ये प्री प्रिपेयर्ड आती है एंड इसे हम मोल्डिंग करेंगे एंड पहले तो टेम्परिंग करेंगे फिर मोल्डिंग करेंगे फिर डी मोल्डिंग करेंगे एंड उसके बाद पैकिंग करेंगे तो ये प्रोसेस रहेगा तो ये चिप्स ऐसी आती हैं ये चिप्स डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट साइजेस में आती हैं कुछ स्लैब फॉर्म में आती हैं कुछ कैलेट्स में आती हैं कुछ बटन्स में आते हैं सो अलग अलग ये जैसे इम्पोर्टेड कंपनी की है सो दिस इज इन शेप ऑफ बटन्स ओके तो ये आगे दोस्तों हमारी चॉकलेट सारी की सारी जो बेस है अब इसको मेल्ट कर लेते हैं तो ये हमारी चॉकलेट मेल्ट होगी हाँ जी सर ये मेल्ट हो चुकी है और इसको डिजायर्ड टेम्परेचर पे भी लेके आना होता है यस सर ओके पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे 48 डिग्री ऑलराइट 45-48 डिग्री अच्छा मतलब उसके बीच में होना चाहिए चॉकलेट का टेम्परेचर ओके ये देखिए दोस्तों हमारा जो चॉकलेट है ना जो अभी मैंने चिप्स दिखाई थी आपको बेसिकली वो पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं तो इसको इस शेल्फ पे निकाला जा रहा है ये देखो और जो चॉकलेट की एक अरोमा होता है ना खुशबू होती है वो मेरे को अभी से हल्की हल्की आ रही है इसकी क्योंकि ये मेल्टेड है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी तो इसको स्प्रेड किया जाएगा अभी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग ओके इसमें हमें क्रिस्टल्स बनाने के टॉप के सो दैट जब वो क्रिस्टल्स जम जाए उस पे एक पर्टिकुलर शाइन और पर्टिकुलर स्नैप आ जाए okay. अगर ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो चॉकलेट विल बी नॉट टेम्पर्ड ओके
तो ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया तरीके से ना इसको टेम्पर किया जा रहा है, जिस तरीके से सर बता रहे थे ना, टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है बेसिकली, अगर आप चॉकलेट बना रहे हैं ना तो इसको इस तरीके से किया जाता है। ओके, तो अभी इसको कितने टेम्परेचर तक लेके आएंगे? और अप्रॉक्सीमेटली ये 28 डिग्रीज तक आएगा और 28 डिग्रीज के बाद इसे 32 डिग्रीज तक दोबारा हीट करेंगे। ओके, अच्छा रीहीट होगा ये वापस। तो एक बार इसका टेम्परेचर डाउन कर लिया गया, अब इसको रीहीट करेंगे हम, है ना? ओके, तो ये चॉकलेट दोस्तों वापस बॉल में डाली जा रही है, इसको रीहीट करना है अभी। देखिए थोड़ी सी तो नीचे जंप की है बिकॉज़ थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा शेल्फ थोड़ा ठंडा है। प्रेजेंटली जो रूम का टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 20-22 डिग्रीज है। तो लिए दोस्तों हमारा जो चॉकलेट है ना वो रीहीट होके आ गया है, एक सेट डिजायर्ड टेम्परेचर पे इसको रीहीट किया गया है और अब इसको मोल्ड में डाला जाएगा। ओके, ये आ गया दोस्तों हमारा चॉकलेट का मोल्ड और ये चॉकलेट इसके ऊपर अब डाली जा रही है। तो ये देख सकते हो दोस्तों चॉकलेट डाला हुआ है मोल्ड के अंदर, अब इसको इसके अंदर ना अच्छे से सेट किया जाएगा ताकि एक तो शेप भी आ जाए और उसके बाद जो हमारा चॉकलेट है वो पूरी 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 तरीके से सेट हो जाए। ये टैपिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है सो दैट जितने भी एयर बबल्स हैं वो मोल्ड से बाहर आ जाएं। अभी आप देखेंगे मोल्ड्स के बाहर आएंगे जैसे जैसे टैप होगा, बबल्स निकल रहे हैं जी, बबल्स निकल रहे हैं क्योंकि कोई भी अपनी चॉकलेट में बबल्स नहीं चाहेगा। और इसको ना टैपिंग करी जा रही है बार बार ताकि जो इसके जो एयर बबल्स है ना वो टोटली निकल जाए। इसको कम से कम कितने देर तक के लिए हम ठंडा करेंगे? इसको हम 15 मिनट्स के 15 मिनट्स के अंदर ये पूरा ठंडा हो जाएगा, उसमें मतलब हमारी बार जो है चॉकलेट की वो बन जाएगी, है ना? उसके बाद निकालेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों 15 मिनट इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद निकाल के देखते हैं किस तरीके का चॉकलेट बना है। आप इधर देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे जो जो ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से हम पैकिंग करके आगे सेंड करते हैं। ये कुछ मटेरियल हमारा रेडी है जो जाने वाला है, कुछ जा चुका है, सो इस टाइप से हमारा ऑर्डर पैक होता है और आगे जाता है। इधर जैसे आप देख सकते हैं 1 kg की भी पैकिंग है, 3 kg की भी पैकिंग है, 5 kg की भी है। सो डिपेंडिंग अपॉन हमारा कस्टमर क्या मांगता है, लूज़ मांगता है, तो उस हिसाब से वी पैक एंड डिलीवर इट। तो दोस्तों हमने जो चॉकलेट डाली थी ना अपने मोल्ड के अंदर वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और पूरी तरीके से जम चुकी है, देखिए आप। और जमने के बाद अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे तो अच्छे से सेट हो चुकी होगी, है ना? ओके, तो इसको डीमोल्ड करते हैं, इसको निकालते हैं, ये देखिए। ओए क्या बात है, ये देखिए दोस्तों क्या स्मूथ और जो ऊपर से शाइन आई है ना बिल्कुल सिल्क वाली, है ना? तो यही सर बता रहे थे कि इसको ना टेम्पर इसलिए किया जाता है अच्छे तरीके से ताकि जो इसकी शाइन है वो पूरी प्रॉपर आए और इसको जो स्नैप लेके देखिए, जस्ट हियर द स्नैप, क्या बात है, दिस इज द स्नैप, क्या बात है दोस्तों। ये देखो जरा एक बार ना इसका क्रंच स्नैप, ओहो, तो ये मतलब होना जो चॉकलेट होता है ये होना चॉकलेट में बहुत जरूरी है। कंपाउंड में देयर इज नो टेम्परिंग रिक्वायर्ड, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड, बट जो प्योर चॉकलेट है उसमें ये चीज ये होनी चाहिए, है ना? आप इसका फ्रेग्रेंस लीजिए, सो प्योर चॉकलेट जो होती है उसका फ्रेग्रेंस आपको सूंघने से आता है माउथ में। इसका खाने का भी एक तरीका होता है, यू हैव टू ब्रेक इट एंड देन पुट इन योर माउथ एंड उसके बाद बाइट्स थोड़ा करके उसे मेल्ट होने दीजिए, तभी वो जो स्मूथनेस का जो फील होता है और जो फ्लेवर होता है, हाँ फ्लेवर होता है, नेचुरल फ्लेवर वो आएगा। एक टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो जो आपने खुशबू ले रहे हो वो भी अच्छी आएगी, माउथ फील बहुत अच्छा आएगा, आपको पता चलेगा कि आप प्योर चॉकलेट खा रहे हो। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने अपनी बड़ी वाली चॉकलेट बनाई थी ना अभी उसको रैप किया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉयल रखा हुआ है और इसको रैप किया जा रहा है हैंड से। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसको रैप कर दिया गया है। तो ये हमारा जो चॉकलेट है वो ये रैप हो चुका है बढ़िया तरीके से, अब इसकी पैकिंग की जाएगी दोस्तों दूसरे जो मेन जो इनका कवर होता है ना उसके अंदर। चलिए उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स आपको मैंने दिखाया किस तरीके से ना गोल्डन फॉइल लगा के हमारी चॉकलेट्स रैप हो चुकी है, अब जा रहा है इसकी असली पैकेजिंग जो ऊपर की कवर होती है ना वो होगी। ये है कन्वेयर बेल्ट
और ये है मशीन, इसको ऑन किया जाएगा और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो चॉकलेट्स हैं मशीन में जाएंगी और पैक होके निकलेंगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो मशीन है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए किस तरीके से ये पूरा रैप यहाँ पर बंडल है वो नीचे इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट से नीचे आ रहा है, ये देख सकते हो आप। और जो ब्रांडिंग है मैमथ की वो चॉकलेट हमारी पैक हो रही है, ये देखो किस तरीके से हो रही है, ये देख रहे हो। ये देखिए यहाँ से चॉकलेट पैक होके हमारी बाहर जा रही है और सीधा हमारे बॉक्स के अंदर जाएगी जहाँ पे इन चॉकलेट्स को कलेक्ट किया जा रहा है, ये देखो। हर एंटरप्रेनर जब शुरुआत करते हैं तो उनके पीछे ना कुछ कहानी होती है। कैसे आपकी शुरुआत हुई, कब से आपने अपना ब्रांड बिल्डअप शुरू किया? देखिए जब मैं शुरू हुआ था इट वॉज बैक इन 2009। मैं यूके जा रहा था बैक इन 2006 ऑनलाइन, एंड यूके का मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट डन था, सब कुछ डन था एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और हुआ क्या, जैसे ही मेरे इंटरव्यू हुआ उसी दिन मेरे कॉलेज से लेटर आ गई दैट योर कॉलेज हैज़ बीन बैंकक्रप्ट। ऑलराइट, सो इट वॉज अ शॉक टू मी बिकॉज उसी कॉलेज से मेरे दो कजन्स ने पास आउट किया था यूके में एंड मेरी बारी पे वो बैंकक्रप्ट हो गया। सो आई थॉट कि इट्स अ मैसेज फ्रॉम माय गॉड दैट डोंट गो देयर। सो आई प्लान समथिंग, मेरे फादर से बात की कि यार मैं अब क्या करूँ, मैंने अब नहीं जाना। ही सेड कि जो तेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट पुट एनी प्रेशर ऑन यू, तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो ट्राई कर। जो मेरे फादर हैं उनकी लिंक्स हैं, जैसे दिल्ली से एक गिफ्ट बॉक्स आया वेडिंग कार्ड का, सो मैंने कहा पापा चॉकलेट आई है बट चॉकलेट इंडिया में है ही नहीं। मतलब व्हाट आर द ब्रांड्स दैट वी हैव इन इंडिया, नेस्ले, कैडबरी, अमूल एंड कैमको, देर आर फोर ब्रांड्स, बाकी जितना भी इंपोर्ट हो रहा है वो सारा इंटरनेशनल ब्रांड्स है। बिल्कुल, इंडिया का कौन सा ब्रांड है जो इंडिया से ही खड़ा हुआ हो और इट कैन इट हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट। सो ऐसा कोई ब्रांड मुझे मिला ही नहीं। सो आई टोल्ड माई डैड आई विल मेक चॉकलेट्स, आई विल जंप इनटू चॉकलेट लाइन। कहते तू पागल हो गया, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 2000 करोड़, इस टाइप का इंडस्ट्री चाहिए। क्योंकि उनके माइंड में आया होगा ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरीके की ही हैं। जी जी जी। तो किस तरीके से तो मेरे फादर ने तो बिल्कुल ही ना कर दिया था कि वी कैन डू दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा चलो आई शो यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स की कौन कौन बंदे किनों किनों ने कैसे स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड फाउंडिंग द हिस्ट्री ऑफ कैडबरीज एंड नेस्ले, उन्होंने भी घर से ही शुरू किया था। मैंने कहा अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, सिर्फ 100 साल के डिफरेंस है। बिल्कुल। सो दैट वाज द स्टोरी। फिर मैंने कुछ सैंपल्स बनाए, जितना भी मेरे पास थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने टाइम लगाया, अराउंड 6 मंथ्स के आसपास। तो उसके बाद मैंने जो चॉकलेट आप फादर को खिलाई, ही सेड इट्स वंडरफुल। तो उधर से माय मदर जो उन्होंने चॉकलेट्स अपने ग्रुप में बांट दी एंड उधर से वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर फॉर मैरिज। तो 2009 में दिसंबर में क्रिएटिव चॉकलेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर डाला जा रहा है फूड कलर। जी हाँ दोस्तों, फूड ग्रेड फूड कलर इसमें डाला गया है क्योंकि ये हमारी क्रैनबेरी बन रही है ना, तो उसी कलर का हम फूड कलर लगाते हैं ताकि कोटिंग जो है ना वो उसके ऊपर उसी कलर की हो। तो इससे क्या होता है, हमारा जो चॉकलेट है ना जो बेसिकली क्रैनबेरी चॉकलेट है वो काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और इसके बाद इस पर ना दोस्तों शाइन भी किया जाएगा, इसको शाइनिंग भी लाई जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर डाला जा रहा है ये कलर जो कि क्रैनबेरी का ही कलर है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो हमारा जो क्रैनबेरी है ना वो कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब इसको ना ऑलमोस्ट हमारा फाइनल, बस इसको एक शाइन देनी है। तो उसके लिए हम कॉन्फेक्शनल ग्लेज डालते हैं इसके ऊपर, तो वो डाल के दिखाते हैं किस तरीके से पूरा शाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इसके ऊपर डाला जा रहा है कॉन्फेक्शनल ग्लेज जो कि शाइन लाता है हमारी जो भी हमने चॉकलेट बनाई है ना अभी क्रैनबेरी की, उसको बिल्कुल ये शाइनिंग कर देगा और जो उसके ऊपर जो चमक आएगी ना वो बड़ी लाजवाब होगी। तो ये अच्छे से मिक्स होने के बाद में देखिए सारे जो हमारे क्रैनबेरीज के दाने हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग हो गए एक तो, और वो पूरा शाइन भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी मशीन हो चुकी है बंद। लगभग 3 से 4 घंटे का ये पूरा प्रोसेस था जिस तरीके से इस क्रैनबेरी चॉकलेट को बनाया गया ना। तो ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त शाइन हो रही है, देख रहे हो, शाइन चेक करो। और बिल्कुल जो शेप्स हैं ना वो भी बिल्कुल प्रॉपर फिल्ड हैं क्रैनबेरी के।
और बहुत लंबा प्रोसेस था दोस्तों, मेरी बात मानो, ये पूरा प्रोसेस देखने में ना मुझे लग गया 3 से 4 घंटे। और भाई इसको जो टेस्ट करने का मज़ा आएगा ना वो अलग ही आएगा, बिल्कुल शाइन कर रहा है और पूरा का पूरा बैच हमारा यहाँ पर रेडी है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद। ऊपर से पूरा चॉकलेटी और अंदर से जैसे हम बाइट लेते हैं ना, जो क्रैनबेरी का फ्लेवर होता है, हल्का सा खट्टा हल्का सा मीठा, बिल्कुल लाजवाब। तो काफ़ी मेहनत लगी इस क्रैनबेरी चॉकलेट को बनाने में, पूरा प्रोसेस दिखाया मैंने आपको। इसके अलावा भी मैंने दिखाया किस तरीके से चॉकलेट्स यहाँ पे बनते हैं और किस तरीके से पैकेजिंग की जाती है। अब ये बैच रेडी हो चुका है, अब इसको निकाला जाएगा और इसकी पैकिंग की जाएगी, फिर कस्टमर्स को डिलीवर किया जाएगा। अगर आप भी यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए कॉन्टैक्ट करिए, आपको ईजिली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये क्रैनबेरी के तो मज़े आ गए मेरे को खा के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप कि ये चॉकलेट फैक्ट्री की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस तरीके की और वीडियोज़ देखनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।